ಬುಧವಾರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನತ ಸಸ್ತಿರ ಬೀಜ ಬಾಕಿ ಇಹ ಫೈಸಲಾ ಕೀತ ಹರ 10 ದಿನ ಬಾದ ಡೇಟ್ ವರ್ಕೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਚਾ ਹੋਈ क्योंकि इरीगेशन गैप के कारण ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमने पानी पर आ गया, ऐसी कोई बात है। बात थी खनन प्रोजेक्ट्स की, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है, उसकी 24 में ख़त्म हो रही है, किस दृष्टि से हमने वो काम करना है उस बारे में बात की है। सब लोग आएंगे और पठानकोट की इन्होंने बात की है, टूरिज्म के से संबंधित जो पंजाब मसले हैं हिमाचल में उनसे संबंधित इन्होंने बात की और हमने कहा है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हर 15 दिन बाद संवाद करके जो समस्या है उसका बैठकर हल निकालेंगे। ना हरियाणा को नुकसान होगा, ये ठीक है कि जनरेशन पावर की जो होती है उसमें थोड़ा बहुत कैसे सेटल किया जा सकता है, वो मिल बैठ कर हम समस्या का समाधान करेंगे। और इन्होंने हमें नाश्ते पर संवाद हल निकालेंगे, तो इस मैं एक स्पष्टीकरण भी देना चाहता था कि वाटर सेस से करेंगे और इन्होंने हमें नाश्ते पर बुलाया था और हमने इनका नाश्ते से अनुरोध करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।